दौसा से बड़ी खबर है, बजरी के अवैध खनन का नहीं थम रहा सिलसिला। पुलिस थाने से 200 मीटर दूर हो रहा है अवैध खनन। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के प्रति जिम्मेदार नहीं है गंभीर। सावा नदी में दिन और रात हो रहा है बजरी का अवैध खनन और परिवहन। बावड़ी खेड़ा, डिगारिया, गोलाड़ा, निहालपुर में धड़ल्ले से हो रहे हैं अवैध खनन। तो बजरी के अवैध खनन का नहीं थम रहा सिलसिला। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस थाने से 200 मीटर दूर हो रहा है अवैध खनन, वहीं जिस तरह से दौसा से बड़ी खबर है, पुलिस थाने से 200 मीटर दूर हो रहा है अवैध खनन और साथ ही बजरी के अवैध खनन का नहीं थम रहा है सिलसिला। बजरी के अवैध खनन को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, यहां पर पुलिस थाने से 200 मीटर दूर हो रहा था अवैध खनन। विष्णु आशीर्वाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। विष्णु, क्या है पूरा मामला पहले ये बताइए। जो ये दौसा जिले के बेचूपाड़ा का मामला है, जहां पर अवैध खनन जो तहसील कार्यालय है पुलिस थाने से मैं 200 मीटर की दूरी पे ही ये अवैध खनन रात दिन चलता रहा, जिसमें आस पास के लोगों को काफी परेशानी तो होती है और जो सरकार के जो नियम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो दिन रात अवैध खनन बंद होने के बावजूद धड़ल्ले से बदसूरत जारी है, इसी को लेकर आए दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और जो ट्रक है वहां से गुजरते रहते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।